चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी। सर अभी कांसेप्ट का काम शुरू किया जाए। योगेंद्र सर आज के लिए कांसेप्ट में दो लोग हैं, डॉक्टर यूबी सिंह सर हैं और डॉक्टर सुधीर राज सिंह सर हैं। मैं दोनों लोगों से निवेदन करूंगा कि आइए सर कांसेप्ट का। सर को बुलवा लो। हाँ डॉक्टर यूबी सिंह सर क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं मोस्ट वेलकम सर, आइए सर। आप सभी भाई बहनों को जय भीम नमो बुद्धाय। 299 भाई बहन यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद बिजनौर के साथियों को देना चाहता हूँ जो लगभग 100 की तादाद में आज यहाँ जुड़े और उन्होंने एक दूसरे से परिचय करते हुए इस समण संघ में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का वादा किया। उसके बाद 8 से हमारी मीटिंग शुरू हो गई। वैसे तो ये आज डॉक्टर्स विशेष की ये मीटिंग है, तो मैं मेनली चिकित्सक समाज के जो ऋणी हैं बहुत ज्यादा, उनको फोकस करते हुए समण संघ की उनसे क्या अपेक्षा है, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की सेक्रीफाइस से उनके जीवन में जो प्रकाश आया है उस पर फोकस ज्यादा करूंगा। मैं स्वयं 34 और 5/39 साल की उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा करने के बाद लगभग 2 पहले ही मेरे 65 वर्ष पूरे हुए हैं। इस जीवन में जो अनुभव पाया उसको आपके सामने रखना है। वैसे तो अकेले अकेले और छोटे छोटे संगठनों के माध्यम से लगभग पिछले 50 वर्षों से इस समाज को समझने का, बाबा साहब के आंदोलन को पढ़ने का, भगवान बुद्ध को समझने का, उनके बताए हुए रास्ते पर प्रयास जारी है। लेकिन लगभग 8 पहले जो एक विशेष अनुभव हुआ, तो ऐसा लगा कि ये जो 48 साल का 49 साल में जो हमने काम किया वो शायद हम ये ही नहीं सीख पाए कि हमको काम क्या करना चाहिए था। हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सही रूप में हम उनको समझ ही नहीं पाए। उन्होंने शिक्षित होने की बात की तो हम डॉक्टर इंजीनियर तो बन गए, लेकिन जो बाबा साहब का शिक्षित होने का जो संदेश था उसको हम नहीं समझ पाए। बाबा साहब ने संगठित होने की जो बात समाज को कही, हम छोटे छोटे संगठनों में बट करके रह गए। हम बाबा साहब के उस आदेश को, उस निर्देश को भी नहीं समझ पाए कि बाबा साहब हमको संगठन करने का जो उनका निर्देश है वो वास्तव में क्या है। संघर्ष तो तभी होगा जब संगठन बनेगा, तो जब संघ ही नहीं बन पाया, यूनिटी ही नहीं बन पाई, तो संघर्ष तो स्वयं में फेल हो गया। भाई सुधीर राज सिंह जी ने 8 पहले 5 से ये जो मीटिंग का कार्यक्रम शुरू किया,
वैसे उनकी तैयारी तो कई वर्षों से चल रही थी, लेकिन जिस बैठक में आप बैठे हैं इसे 5 मई से उन्होंने शुरू किया। मुझे भी लगभग मई के आखिरी सप्ताह में इसकी जानकारी हुई और हमने ये जब महसूस किया कि हमें इसमें अब काम करने की आवश्यकता है, जो 40-45 साल का जो तजुर्बा था, हमने अपने चिकित्सक बंधुओं को संदेश दिया, भाइयों बहनों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें जो रिजर्वेशन दिया उसके कारण हम MBBS डॉक्टर बन पाए, MD कर पाए, मेडिकल अफसर की पोस्टिंग मिली, CMO बने, एडिशनल डायरेक्टर बने, डायरेक्टर जनरल बने। हमने समाज के लिए क्या किया? ए मेरे चिकित्सक बंधुओं, मैंने आवाहन किया अपने स्टेट में अपने पुराने साथी जो 83 से हमारे साथ सर्विस में थे, लखनऊ में आज साथी रहते हैं एक रमेश चंद्रा जी, कानपुर में रहते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, हम 3 साथी, 83 से हम टेहरी में हमारी पोस्टिंग थी, तभी से समाज के बारे में सोचते थे, काम करते थे। उन्हें भी ये बात बताई गई और अन्य साथियों से जब बात हुई तो 2 दिन के अंदर 256 डॉक्टर विदा प्यूपिल से जुड़ गए। उसके बाद तो डॉक्टरों की एक एंट्री तूफान के रूप में हुई और 2-3 हफ्ते के अंदर लगभग 3 व्हाट्सएप के ग्रुप 750 डॉक्टर्स यूपी से जुड़े। जब हमने देखा कि यूपी तो तैयार हो ही रहा है, छत्तीसगढ़ से डॉक्टर के सहारे जी, मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजकुमारी बंसल जी, राजस्थान से डॉक्टर ओपी वर्मा जी, कर्नाटका से डॉक्टर अशोक कुमार जी, तमिलनाडु के डॉक्टर साहब, इस प्रकार हरियाणा से, गुड़गांव से डॉक्टर लाल सिंह जी, दिल्ली से डॉक्टर सीमा प्रकाश, डॉक्टर सुदेश प्रकाश जी, पूरे भारत के डॉक्टर हमारे अनुरोध पर सुधीर राज जी के कंसेप्ट को सुन करके उन्होंने जो कमिटमेंट किया वो कमिटमेंट 26 दिसंबर को पूरे भारत के लगभग 300 चिकित्सक लखनऊ में इकट्ठा हुए। मैंने जो नाम आपको गिनाए हैं, बहुत सारे नाम मेरे से छूट गए हैं, मैं क्षमा चाहता हूं उन भाइयों से, डॉक्टर US लाल जी, डॉक्टर स्वामी जी ने जो मेहनत की लखनऊ में और जिस तरीके की व्यवस्था लखनऊ में उनके द्वारा की गई, उससे एक बहुत सुंदर संदेश इस देश में गया है। मैं यहां उपस्थित 304 भाइयों को अपने चिकित्सक बंधुओं की तरफ से ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम पिछले 8 महीने से यहां 8 बजे से बैठते हैं, 11, 12 और 1-1 2-2 बज जाता है, आपसे इंटरेक्शन करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, आपसे टेलीफोन से संबंध बनाते हैं। बुधवार के दिन 6 बजे से 8 बजे तक हम ऑनलाइन जूम मीटिंग करते हैं।
मैं टीबी चेस स्पेशलिस्ट हूं, डॉक्टर केपी सिंह जी कार्डियोलॉजिस्ट हैं दिल्ली से, डॉक्टर सीमा प्रकाश गायनेकोलॉजिस्ट हैं जीटीबी दिल्ली में, डॉक्टर राजेश जी आई सर्जन हैं मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं, बहुत सारे हमारे भाई उस जूम मीटिंग में जुड़ते हैं, डॉक्टर कंचन लता जी बुलंदशहर से जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस विदा पीपल परिवार को यहां तक पहुंचाने में। तो चिकित्सक बंधु जो कर सकते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आपको बहुत कुछ और ज्यादा करने की जरूरत है। हमारे बीच में केवल भारत के ही डॉक्टर नहीं, अमेरिका से डॉक्टर अजय जलान जी, जलवान जी, वो भी अक्सर डेली हमारे बीच में आते। डॉक्टरों का ये जमावड़ा ये सिद्ध करना चाहता है कि हम बाबा साहब के जो ऋण हैं उसको चुकाने के लिए अपना जीवन, आजीवन, पूरा जीवन अब इस समण संघ में हम लगाएंगे। ऐसा मेरी उनसे बातचीत होती है, क्योंकि टाइम का अभाव रहता है, समय का अभाव रहता है, तो डेली जूम मीटिंग में आना तो मेरे साथियों के द्वारा संभव नहीं है। लखनऊ की जो मीट हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल उपस्थित हुए थे, उसमें मेडिकल कॉलेजेस के इतने प्रोफेसर्स, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एस संजय गांधी पीजीआई के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, डॉक्टर भारती गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, डॉक्टर बसंत कुमार पीडियाटिक सर्जन प्रोफेसर एचओडी पीडियाटिक सर्जरी, डॉक्टर आनंद स्वरूप जी प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज कानपुर, डॉक्टर आर पी सिंह प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज फतेहपुर, इस तरीके के लोग उसमें आए थे। तो डॉक्टरों का जो काम है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो कृपया करके और अधिक से अधिक अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, लेकिन केवल मरीजों के देखने से हम अपने कर्तव्य को पूरा करें, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं चूंकि टीबी स्पेशलिस्ट हूं, टीबी के बीमारी बड़ी बीमारी है, मेरा मन ये कहता है कि टीबी के मरीजों की सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन मेरे समाज की जो टीबी है ये रोग के टीबी से कहीं ज्यादा खतरनाक है। पढ़े लिखे लोग, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने उनको कहा कि मुझे इन्होंने धोखा दिया है। बाबा साहब का एक एक शब्द अमर है, वो सत्य वचन है उनका। तो पढ़े लिखे लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पे बैक टू सोसाइटी करें, चाहे वो अध्यापक हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे वो एडवोकेट्स हैं, विभिन्न पेशों में वो काम करते हैं। हर पढ़े लिखे भाई की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पे बैक टू सोसाइटी करे। वो कितना तन देता है, कितना मन देता है, कितना धन देता है, इसका फैसला उसको स्वयं डिसीजन लेना होगा। कौन हमें कहेगा आके, कौन हमें जगाएगा आके, कौन हमको रास्ता बताएगा आके, हमें उनका उनका इंतजार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें बाबा साहब को पढ़ना है। हर पढ़े लिखे भाई की ये जिम्मेदारी बनती है कि पहले वो बुद्ध को,
बाबा साहेब को पढ़े, उनका जो ओरिजिनल लिटरेचर है वो इतना क्रांतिकारी है, अगर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कोई भाई पढ़ ले तो वो डायनामाइट बनेगा और इस सड़ी गंदी जो व्यवस्था है इसको उखाड़ने के लिए तुरंत वचनबद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। मान्यवर कांशीराम जी बताया करते थे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मैंने पढ़ी, उससे मुझे बामसेफ का कंसेप्ट मेरी समझ में आया और वो एक अनजान व्यक्ति आज एक ऐतिहासिक पुरुष बन गए। हमारे बहुत सारे साथियों ने उनको नजदीकी से किसी ने देखा भी होगा, उनके साथ काम भी किया होगा, तो इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी प्रेरणा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य में मौजूद है। भगवान बुद्ध उनका धम्म हर भाई को पढ़ना चाहिए। जब तक हम बाबा साहब के ओरिजिनल लिटरेचर को नहीं पढ़ते तब तक हमें सही प्रकार की जो चिंगारी है वो हमारे अंदर पैदा नहीं होगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, 311 साथी यहां मौजूद है, कि बाबा साहब को जरूर पढ़ें और अपना मेकअप अपने आप बनाएं। हमें एक दूसरे से सहयोग तो लेना चाहिए लेकिन काम तो हमको खुद ही करना पड़ेगा। हमको कोई जगाने के लिए नहीं आएगा, हमें स्वयं जागना होगा और इस जागृति का लाभ अपने समाज को देना होगा, तभी हम इस समण संघ में अपने आपे को ये सिद्ध कर पाएंगे कि हमारी ये कंसेप्ट समझ में आया है। हम केवल यहां जूम मीटिंग में बैठ कर के ही घंटों बातें नहीं करते। भाई प्रकाश सिंह जी जो मुरादाबाद के हैं, इतनी शानदार टीम मुरादाबाद कमिश्नरी में तैयार हुई है। पहली उत्तर प्रदेश की जो फिजिकल मीटिंग थी वो मुरादाबाद में लगी, जिसमें लगभग 300 भाई लोग दरी पर बैठे थे, आमने सामने बैठे थे, पराठे लेकर के गए थे। मीटिंग में खूब महत्वपूर्ण चर्चा हुई। उस प्रेरणादायक सीन को मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं बुलंदशहर से उसमें शामिल हुआ था, बहन डॉक्टर कंचन लता भी बुलंदशहर से हम लोग गए थे, 100 से ज्यादा मेरी बहनें उसमें शामिल हुई थी। मैंने तो देख करके मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि आप लोग कितने ललायित हैं, कितने मिशनरी ओरिएंटेड हैं, कितने संकल्प करके यहाँ पर आए हैं और कितने अनुशासित तरीके से यहाँ बैठे हैं और गंभीर चर्चा को सुन रहे हैं। उसके बाद एक मीटिंग अमरोहा में लगी, उसमें भी हम लोग गए थे। बुलंदशहर में हमने मीटिंग की, फिजिकल मीटिंग, उसमें भी हमारे मुरादाबाद के भाई अच्छी टीम लेकर के वहां आए। एक गाजियाबाद में भी हमने मीटिंग की। तो हमारे कुछ साथी यहाँ पर सोचते हैं कि ये तो यहाँ बैठ करके प्रवचन करते हैं, इंट्रोडक्शन से क्या होता है। ऐसा मेरे बहुत सारे बुद्धिजीवियों के दिमाग में ये जो अल्प ज्ञान है, मैं अपने उन विद्वान भाइयों से ये निवेदन करता हूं, अरे भैया इंट्रोडक्शन तो पहली सीढ़ी है। जब तक हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, तो हम काम कैसे करेंगे। आज मैंने बिजनौर के अपने विभाग के सर नकुल जी को पाया,
राजीव सर को मैंने देखा, मैं सर शब्द का प्रयोग इन दोनों योद्धाओं के लिए मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये जो हमारी अप्सरी है, ये जो हमारा घमंड है दिमाग में बड़े अफसर बनने का, उम्र का समण संग में आकर के इस घमंड को निकालना पड़ता। हमारा हर भाई यहां सर है, भले ही वो हमसे उम्र में छोटा हो, भले ही वो हमसे कम पढ़ा लिखा हो, हमें उसे सर कह करके हम संबोधित करते। मैं नकुल सर को धन्यवाद देता हूं, मैं राजीव सर को धन्यवाद देता हूं कि बिजनौर की एक बहुत अच्छी टीम, डॉक्टर ओम प्रकाश सर को धन्यवाद देता हूं कि बिजनौर में स्वास्थ्य विभाग की एक बहुत अच्छी टीम विदा पीपल परिवार के साथ जुड़ी है। परिचय अगर मेरा उनसे नहीं होता तो आज मैं उन योद्धाओं को कैसे नमस्कार करता। तो यहां आने वाले मेरे सभी भाई, मेरी सभी बहनें, वो धन्य हैं वो लोग जो बाबा साहब के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे, अपने दीन दुखियों की सेवा के लिए वो संकल्प कर रहे। उनके इस भावना को अब प्रैक्टिकल शेप देने की जरूरत है। सिर्फ बातचीत करने से, सिर्फ मिलने जुलने से काम बनने वाला नहीं है। हर एक भाई को, कम से कम 10-10 भाई बहनों को जोड़ना ही होगा। ये दृढ़ प्रतिज्ञा करनी होगी, संकल्प करना होगा कि हमें 10 से टेलीफोन पर बात करनी ही है। 1 से 10, 1 हम स्वयं और 10 दूसरे साथियों को जब तक हम नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम दिन रात हमको इस बारे में काम करना ही होगा। वो 10 भाई फिर आगे कैसे काम करेंगे, इसका भी उन्हें ध्यान रखना होगा। तो जो भाई यहां जितना काम करेगा, जितनी जल्दी यहां जुड़ेगा, वो उतना ही यहां पर उसको पद मिलेगा। ये जो समण संघ है, किसी भाई को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि हम रिटायर लोग तो राजनीति करने के लिए शामिल हुए हैं। हमारा कोई भी विद्या पीपल का साथी राजनीति करने के लिए स्वतंत्र है, वो चाहे करे, लेकिन विदा पीपल का कंसेप्ट ये राजनीतिक पार्ट को अपना एक हिस्सा मानता। हमारे यहाँ दिल्ली के मंत्री महोदय हैं राजेंद्र गौतम जी, वो हमारी मीटिंग में शामिल होते हैं, क्योंकि यहाँ राजनीतिक लोगों को का भी एक दिन फिक्स है। जैसे आज डॉक्टरों के लिए एक दिन फिक्स है, ऐसे ही वकील भाई लोगों के लिए, इंजीनियर्स के लिए, राजनीतिक लोगों के लिए, यहाँ समाज का हर भाई यहाँ आता है। जो भी SC ST OBC में जन्म लिया है, वो भाई पैदाइशी इस समण संघ का मेंबर है। यहाँ कोई एप्लीकेशन नहीं ली जाती, यहाँ पर कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया जाता, आपको अपने साधनों से इसमें शामिल होना है। और आपस में यदि जरूरत पड़े तो एक दूसरे को शेयर करना है, जो भी खर्चा होगा उसको आपस में बांटना है। समाज से चंदा इकट्ठा कदापि नहीं करना है। तो ना राजनीति की बात कर, ना राजनीति में भाग लेगा ये समण संघ, ना ये चंदा इकट्ठा करेगा ये समण संघ, और ना ये किसी को चौधरी समझता है ये समण संघ। हमारे बहुत सारे भाई
बड़ी माला पहनने वाले में विश्वास रखते हैं। यहाँ कोई किसी को माला नहीं पहनाता, यहाँ कोई किसी को मंच पे नहीं बैठाता। अगर आपको नीचे बराबर बैठना है, अगर सब नीचे, अगर हमारा कोई भी भाई अगर नीचे बैठता है तो हमारा हर सीनियर कार्यकर्ता भी नीचे ही बैठेगा। अगर कुर्सी पर बैठते हैं तो सब साथी कुर्सियों पर भी बैठेंगे। तो ना यहाँ माला से अभिनंदन होता है, ना यहाँ मंच पर माइक सजाए जाते हैं। ऐसा ऐसा हमारा संस्कार, ऐसी हमारी संस्कृति का निर्माण हमने किया है। तो मैं अपने सभी भाई बहनों को धन्यवाद देता हूं। समय शायद मैंने ज्यादा ले लिया है। यहाँ पर जो भाई उपस्थित हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय साधु 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 साधु, बहुत बहुत साधुवाद सर। साधु साधु, आपने श्रवण संघ पीपल के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से रखा, बहुत बहुत साधुवाद सर। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sangam Sarnam Gacchami.
साधु साधु।